शुभ प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को विज्ञापन सिखाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं विज्ञापन में क्या होता है। विज्ञापन क्या है? वर्तमान युग जो आज का समय चल रहा है उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञापन द्वारा क्या होता है, जो वस्तु है उसकी बिक्री का अनुमान लगाया जाता है। आज संगणक मतलब कंप्यूटर के युग में अंतरजाल इंटरनेट द्वारा और मोबाइल द्वारा क्या विज्ञापन का क्षेत्र क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। विज्ञापनों के कारण किसी वस्तु, समारोह, शिविर आदि के बारे में पूरी जानकारी आसानी से सभी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। लोगों के मन में रुचि निर्माण करना, ध्यान आकर्षित करना विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है। विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? विज्ञापन शब्द दो शब्दों के योग से बना है। वी यानी ये उपसर्ग है और ज्ञापन शब्द। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है ज्ञान कराना, अर्थात किसी वस्तु या तथ्य की विशेष जानकारी देना अर्थात विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन लेखन के उद्देश्य क्या होते हैं? अधिक से अधिक लोगों तक किसी वस्तु या तथ्य की जानकारी पहुंचाना, उपभोक्ता के मन में वस्तु के प्रति, उपभोक्ता अर्थात जो उन वस्तुओं का उपयोग करता है, उपभोक्ता के मन में वस्तु के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना, उत्पादक को लाभ पहुंचाना, वस्तु के क्रय विक्रय में वृद्धि करना। विज्ञापन के माध्यम क्या हैं, किसके द्वारा विज्ञापन लोगों तक पहुँचाया जा सकता है? मुद्रण माध्यम, मुद्रण माध्यम के अंतर्गत आते हैं समाचार पत्र और पत्रिकाएं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, श्रव्य माध्यम, श्रव्य यानी जिसे सुना जाता है, जैसे रेडियो। रेडियो पता है, रेडियो पे अभी आप कई बार गाने वगैरह सुनते हो या कोई कार्यक्रम सुनते हो तो उसके बीच में प्रचार कोई विज्ञापन का किया जाता है। मुनादी, मुनादी अर्थात ये गाँव में जैसे ढोल वगैरह बजा के किसी वस्तु की जानकारी या किसी के बारे में बताया जाता है। या आजकल आप लोग देखोगे जैसे चुनाव के समय ये ऑटो में या गाड़ी में बैठकर अनाउंस करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं, वो भी एक प्रकार का विज्ञापन है। श्रव्य और दृश्य माध्यम, ये टीवी और इंटरनेट पर अक्सर आप लोग पिक्चर देखते हो, गाने देखते हो या समाचार देखते हो तो उसके बीच में आता है, जिसे देख भी सकते हो आप और सुन। श्रव्य यानी सुनना, दृश्य यानी देखना, सुन भी सकते हो और आप देख भी सकते हो। चलचित्र माध्यम यानी फिल्म, पिक्चर के द्वारा। अन्य माध्यम होर्डिंग आप बड़े बड़े बैनर्स देखते हो रस्तों में लगे होते हैं, पर्चे, कई बार क्लासेस का है उसका होता है या कोई नई दुकान खुली है तो उसको पर्चे के द्वारा भी रस्ते में देखे हो, कई बार लोग खड़े होकर देते हैं या घरों में भेज देते हैं वो पर्चे। पोस्टर जो रोड पे लगे होते हैं, बसों में भी लगे होते हैं, आजकल ट्रेनों में भी आप देखते हो, कोई चीज़ है, कोई कार्यक्रम ही प्रस्तुत हो रहा है, नया आ रहा है तो उसका भी पोस्टर लगा होता है वहाँ पर। प्रदर्शनी भी वस्तुओं की जाती है, उससे भी लोगों तक उसकी जानकारी पहुँचाई जाती है। बैनर, उपहार डायरी कैलेंडर मतलब इन पर भी विज्ञापन होता है। जैसे आपने देखा आपकी किताबें होती है उस पर भी दूसरे वस्तुओं के विज्ञापन होते हैं, पुस्तक से संबंधित विज्ञापन होते हैं, उसी प्रकार से कैलेंडर पे भी देखा होगा कई बार कई वस्तुओं का विज्ञापन होता है। विज्ञापन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, जिस वस्तु का विज्ञापन है केवल उसी की विशेषताओं का विषय में लिखा जाना चाहिए, किसी अन्य बारे में नहीं। जिस वस्तु का आप विज्ञापन बना रहे हो खाली आप ध्यान दो कि उसी के बारे में लिखो, किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं। लेख है जो आपका लिखना है वो कैसा होना चाहिए, सुंदर और आकर्षित करने वाला होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार शीर्षक व चित्र का प्रयोग यहाँ पे है करने को, लेकिन ये पहले होता था, लेकिन अभी अधिकतर क्या बोला जा रहा है कि आप है ना चित्र न बनाएं, और ये लिखे भी आप तो किससे लिखें, पेन से लिखें, पेंसिल से न लिखें और ना ही स्केच कलर का प्रयोग करें। भाषा सरल व सुबोध हो तथा वाक्य छोटे छोटे हो, बहुत ऐसे बड़े सेंटेंस 5-6 लाइन का आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लाइन, एक लाइन का ही 5-6 लाइन लिखो चलेगा, लेकिन ऐसे कंटिन्यू आप 3-4 लाइन लिख दिए वैसे नहीं, वो क्या होना चाहिए आपका दिखाई देना चाहिए, जो आप बात कहना चाह रही हो एकदम स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। आगे उदाहरण द्वारा मैं आप लोग को बताऊँगी। वस्तु का मूल्य व उपलब्धता के विषय में लिखें, वस्तु
कितने रुपए की लिखे, ताकि जो उपभोक्ता है खरीदने वाले हैं उसके उनको अगर बजट में होगा उनके खरीद सकते हैं तो खरीदेंगे। आप मूल्य लिखेंगे तो क्या होगा, आपका जो विज्ञापन है वो और आकर्षक बनेगा। उसकी उपलब्धता, कई चीज़ें ऐसी होती है जो हर दुकानों पे मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सभी जगह न मिलकर कहीं विशेष जगह मिलती है, तो उसकी उपलब्धता के बारे में। इसके अलावा कई बार जैसे योग का शिविर आयोजन हो रहा है या तो कोई जैसे उसका समय निश्चित होता है कि इतने दिन इन दिनों तक है, प्रदर्शनी लगाई जाती है किसी चीज़ की, तो वो भी क्या होती है 4 दिन 5 दिन 2 दिन, तो कब तक है, कोई वस्तु सेल में लगी है तो कितने दिन तक का सेल है, 5 दिन का 8 दिन का, तो वो भी आपको लिखना है। आवश्यकता अनुसार पता व फ़ोन मोबाइल नंबर भी लिखें, जैसे कार ड्राइवर चाहिए, शिक्षिका का चाहिए, तो ऐसे नौकरी के लिए तो ऐसी जगह पे आपको, या आपका मकान किराए पर देना है तो वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर, अगर आवश्यकता है विज्ञापन में तो वहाँ पे फ़ोन नंबर आपको और आपका क्या मोबाइल नंबर लिखना है। नारा यानी स्लोगन, ये कोई प्रेरक वाक्य लिखना चाहिए, जैसे जिस विषय से संबंधित है तो वो आपको क्या करना है, लिखना ही होगा। वो आपका अगर आपने नहीं लिखा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, उससे क्या होता है आपका जो विज्ञापन है उसमें जान आ जाती है, वो आकर्षित लगता है। जैसे जल से संबंधित विज्ञापन है तो आप लिख सकते हो पानी बचाओ अपने जीवन को बचाओ, ठीक है, या तो सेल सेल भारी सेल, ऐसे कोई ना कोई अगर आप स्लोगन लिखते हो तो आपका जो विज्ञापन होता है वो आकर्षित बन जाता है। विज्ञापन जब आप बनाते हो तो आपको एक बॉक्स जैसा बनाना है, वर्गाकार या आयताकार बॉक्स बनाएं। कई बार आप विज्ञापन अगर आप ऐसे ही लिखोगे, शीर्षक कहीं लिखोगे, उसके विशेषताएं कहीं लिखोगे, फ़ोन नंबर कहीं लिखोगे, तो वो क्या होगा, दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और अच्छे से नहीं बनेगा। इसके लिए आप एक वर्गाकार या आयताकार बॉक्स बनाएं और उसके अंदर ही जो पॉइंट्स है, जो मुद्दे हैं उसे लिखें। विज्ञापन लेखन, आज का जो युग है किसका युग है, विज्ञापन का है, यानी इसे आप एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। विज्ञापन का मतलब है किसी बात को बताने की क्रिया, जानकारी देना या सूचना देना। इसका दूसरा नाम इश्तिहार भी है, अर्थात प्रचार तथा विक्री के उद्देश्य से पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित कराई जाने वाली सूचना को ही विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन लेखन करते समय इन बातों पर ध्यान रखें, विषय के अनुरूप रोचक शैली हो, यानी जो आपके लिखने के शब्द है बोल है वो कैसे होने चाहिए, अच्छे से होने चाहिए, और ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए आपको क्या करना है, प्रेरित करें, ऐसी भाषा होनी चाहिए, शीर्षक कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। इसके अलावा लेखन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी बताया विज्ञापन लेखन करने से पहले चौकोर या आयत बना लेना चाहिए, विज्ञापन के बारे में सटीक जानकारी, उसकी विशेष जानकारी, खास जानकारी जो है वो भी देनी चाहिए। विज्ञापन केवल पेन से ही लिखें, पेंसिल से या स्केच कलर का प्रयोग न करें। विज्ञापन लेखन करते समय ये ध्यान में रखें, विज्ञापन में अगर है स्थल यानी स्थान, विज्ञापन का कहाँ पे बन रहा है वहाँ पे स्थान लिखें, जैसे अगर किसी चीज़ का आयोजन किया गया तो स्थान का नाम लिखें, फ़ोन नंबर लिखें, ईमेल आईडी लिखें। ये आपको मैंने बताया जैसे किराए पर देना है मकान, या शिक्षिका को नौकरी के लिए, या कार ड्राइवर चाहिए, तो ऐसी जगहों पे ये सब की आवश्यकता होती है, स्थान बताइए, फ़ोन नंबर बताइए, ईमेल आईडी बताइए। विज्ञापन लिखते समय ये सब का प्रयोग न करें, पेंसिल स्केच पेन चित्र डिज़ाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिसका आप विज्ञापन बना रहे हैं उसके बारे में विशेष जानकारी दीजिए, इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ देखिए विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। विज्ञापन तैयार करना एक कला है, यह कला काफ़ी अनुभव के बाद आती है। अच्छे विज्ञापन में विज्ञापन बनाने वाले व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का पता चलता है। विज्ञापन तैयार करते समय प्रभावशाली शीर्षक, कोई सुवचन आदि का प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञापन की भाषा सीधी साधी होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा भी विज्ञापन में प्रयुक्त होती है, भाषा हो जो ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित कर सके। अब यहाँ पे देखिए विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। किसी वस्तु आदि का किसी माध्यम के द्वारा लोगों को पहुँचाना ही क्या होता है, विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन 3 प्रकार के हैं वस्तु संबंधी। इस विज्ञापन में क्या होता है, जो वस्तु बेचनी है उसके बारे में आकर्षक जानकारी देकर ग्राहकों को वह वस्तु लेने के लिए ललचाया जाता है। जैसे
अखबार में, रेडियो पर, टेलीविज़न पर ये विज्ञापन दिए जाते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें केस, तेल, शैम्पू, साबुन, पाउडर, मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, ज्वेलरी आदि खाद्य पदार्थों के विज्ञापन किस में आते हैं? वस्तु संबंधी विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा देखेंगे व्यक्ति संबंधी। व्यक्ति संबंधी विज्ञापन के अंतर्गत किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति की खोज की जाती है। ऐसे विज्ञापन में क्या होता है, घर नौकर, चौकीदार, सेल्समैन, रसोईया, मैकेनिक, शिक्षक, मैनेजर आदि के बारे में अखबार में विज्ञापन दिए जाते हैं। विज्ञापन में व्यक्ति की योग्यता, वेतन आदि से संबंधित उल्लेख भी होता है। जैसे व्यक्ति संबंधी है यहाँ पर, जैसे चौकीदार चाहिए, शिक्षक चाहिए, तो उसकी योग्यता को भी पूछा जाता है वहाँ पर, और उसके वेतन आदि से संबंधित उल्लेख भी होता है। वेतन से अगर नहीं होता है तो योग्यता का तो लिखना ही होता है। इसके अलावा तीसरा है आपका स्थान संबंधी। इस विज्ञापन में मकान, फ्लैट, दुकान आदि को किराए पर देने या बेचने, खरीदने से संबंधित विज्ञापन शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे अपना मकान किराए पर देना है या तो खरीदना है आदि, इससे संबंधित विज्ञापन होते हैं। अब हम एक एक करके तीनों विज्ञापन के उदाहरण देखेंगे। वस्तु संबंधी। वस्तु संबंधी एक दंत मंजन का विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे ये विज्ञापन किस प्रकार से बना है। आपके दांत पीले हैं क्या, आपके दांत हिलते हैं, मतलब जो आप विज्ञापन बना रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। वैसे ये जो है कोलगेट होता है, जो आदि आप समाज में प्रचलित है, आपको पता है पहले के, तो लोग वो इस्तेमाल करते हैं। वो छोड़कर आपका विज्ञापन जो आप कर रहे हो वो वस्तु क्यों खरीदे, तो ऐसी कोई आपके जो आपकी वस्तु है उसमें ऐसी कोई विशेष बात हो जो उनकी विशेषता को हटाकर आप में हो, तो आप ऐसे दिखाओगे ताकि लोग आकर्षित होकर इन वस्तु की ओर क्या हो, खरीदने के लिए प्रेरित हो। क्या आपके दांत पीले हैं, क्या आपके दांत हिलते हैं, क्या आप अपने दांतों को चाहते हैं तो चमकाना चाहते हैं तो इसे आजमा कर देखिए। इसे हमारा बेजोड़ दंत मंजन, बच्चे बूढ़े सभी के लिए। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट्स कैसे लिखा है आपका, 5-6 पॉइंट्स एक साथ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है एक एक दो दो करके लाइन छोड़ के। तो आप जो ये विज्ञापन बनाए एकदम स्पष्टता से, ये नहीं कि वहीं 5-6 लाइन बना के एकदम खिचड़ी कर दे, आप ये थोड़े थोड़े अंतर पे 3-4 पॉइंट्स बनाइए। उसके अलावा जिस वस्तु का विज्ञापन बना रहे हो उसे आप ऐसे थोड़े बड़े में लिखिए ताकि ये समझ में आए कि विज्ञापन इस वस्तु का है, इस चीज़ का है। इसे चाहिए तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं या तो थोड़ा कर सकते हैं, चित्र अगर आप नहीं बनाएंगे तो चलेगा, कलर करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो कितने ग्राम का है और उसकी कीमत क्या है ये भी लिखना ज़रूरी। जैसे अब ये 50 ग्राम में भी उपलब्ध है, कई लोग सोचते बड़ा रहेगा, महंगा रहेगा, नहीं ले सकते, तो छोटा सा ऐसे या पैकेट भी होता है, शैम्पू का भी देखा होगा आपने बहुत चीज़ों का, कि अगर बड़ा 100-200 का आता है तो लोग खरीदने के लिए हिचकिचाते हैं, तो अगर छोटे वो सैशे या पैकेट आते हैं तो लोग वो प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी बताया कि 50 ग्राम में भी ये क्या है, उपलब्ध है, और इसकी कीमत भी क्या है, किफ़ायती कीमत है, सभी मेडिकल स्टोरों में उपलब्ध है, और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। बहुत सी चीज़ें कुछ विशेष जगह मिलती है, लेकिन अब ये यहाँ पर जो है सभी जगह मिलती है, तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर या एड्रेस डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है वस्तु सभी मेडिकल स्टोरों में उपलब्ध है, तो इसको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जो वस्तु संबंधी में आपको फ़ोन नंबर और संपर्क नंबर की आवश्यकता नहीं है, जो स्थान संबंधी होगा या व्यक्ति संबंधी उसमें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे व्यक्ति संबंधी। अब यहाँ देखिए जैसे अब यहाँ पे क्या है, इनको निम्नलिखित जानकारी के आधार पर आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। जैसे क्या चाहिए, एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है। आप जाते हो एटीएम में तो आपने देखा होगा बाहर एक आदमी खड़ा रहता है जो वहाँ पे देखता है, आपको कुछ नहीं आता तो आपको गाइड करता है, तो उसकी शैक्षिक योग्यता कितनी हो, जैसे वो कितना पढ़ा है 10वीं 12वीं, कालावधि समय कितना रहेगा, सुबह 8 से रात के 8 तक, और उसका आयु सीमा कितना होना चाहिए, 30 से 40 या के बीच में, मतलब बहुत बुढ़ा व्यक्ति होगा तो वहाँ पे नहीं कर पाएगा, सिर्फ जवान थोड़ा हट्टा कट्टा होना चाहिए। और संपर्क, ये नौकरी पाने के लिए अगर कोई पाना चाहता है तो किसको कांटेक्ट करे, अब यहाँ पे संपर्क की आवश्यकता है।
यहाँ देखिए आवश्यकता है, ठीक है। ये आप लिखने से क्या होता है, आपका विज्ञापन आकर्षित हो जाता है। अभी ऐसे बॉक्स बना दोगे तो आपका ये क्या हो गया, ये बहुत आपको बड़ा, जैसे आप लिखते हो क्वेश्चन आंसर ऐसा 5-6 लाइन में एकदम खिचड़ी करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप एक एक पॉइंट ऐसे लिखिए जिससे कि ये सुंदर और आकर्षित दिखाई दे। आवश्यकता है ATM के लिए, चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है। सुरक्षा रक्षक, आयु सीमा उसकी 25 से 30 वर्ष के बीच हो। उसकी शैक्षिक योग्यता क्या हो, ग्रेजुएट हो, ठीक है। संपर्क, ग्रेजुएट मतलब 12th के बाद 3 साल का और पढ़ाई होता है तो कंप्लीट हो गया, यानी ग्रेजुएट हो है। संपर्क ATM सर्विस, ठीक है। मोबाइल नंबर आप कुछ भी दीजिए, जरूरी नहीं कि आप अपना ही दीजिए। अब यहाँ पे लिखा है 112211- ऐसे। ईमेल आईडी कोई भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि बॉक्स बनाना ज़रूरी है। बॉक्स बनाने से क्या होता है, वो अच्छा दिखता है और आप टू द पॉइंट लिखते हो। तो ऐसे चौरस बॉक्स बना के एक एक पॉइंट और एक एक लाइन छोड़कर आप लिखोगे तो और आकर्षित दिखता है। ये देखिए बहुत नहीं लिखा है, थोड़ा ही लिखा है, कम से कम कितने शब्दों का है, बहुत नहीं है, कम से कम शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ पर व्यक्त कर दिया है। 50 शब्दों में जो है विज्ञापन आपका बन गया, उतना बहुत है। ज़रूरी नहीं कि आप एकदम भर दीजिए, ठीक है। अब ये व्यक्ति संबंधी विज्ञापन है। दूसरा उदाहरण देखिए कि ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर चाहिए कहाँ पे, शिवाजी नगर में चाहिए। और उसका भ्रमण ध्वनि, जो नौकरी दे रहा है उसका ये भ्रमण ध्वनि है, ठीक है। और ये संपर्क पता है उससे मिलने का, स्थानीय निवासी। और उसको अनुभव, अब कार ड्राइवर चाहिए तो उसको एक्सपीरियंस यानी अनुभव होना ही चाहिए। नया होगा तो फिर डर लगेगा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तो उसको अनुभव कम से कम 2-3 सालों का हो। ऐसे देखेंगे हम कि सभी नागरिकों को खुशखबर, मतलब जो है तो जो नौकरी ये करना चाहते हैं, आवश्यकता है अनुभवी ड्राइवर की जिसको एक्सपीरियंस हो, कम से कम 2-3 वर्षों का ड्राइवर चाहिए। स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये नौकरी जहाँ पे अनाउंस हुआ है, जहाँ पे आवश्यकता है, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन लोगों को पहले वहाँ पे नौकरी के लिए चुना जाएगा। जो दूर के हैं उनको कम चांस है। 2 साल का अनुभव होना चाहिए। संपर्क किससे करना है, ओंकार शिंदे से। ये कहाँ पे है, शिवाजी नगर में है। और इनका भ्रमण ध्वनि ये नंबर दिया है और इनका ईमेल आईडी दिया है, इनसे संपर्क करना है। जो ड्राइवर की नौकरी चाहता है वो इनको फ़ोन करेगा और ये शिवाजी नगर में, और ये बताएंगे कि वो ड्राइवर को नौकरी मिलेगी या नहीं, उनको कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है विज्ञापन एकदम समझ में आने जैसा है। आप ध्यान दीजिए कि ऐसे ही स्पष्टता से जो आपके शब्द है वो स्पष्ट होने चाहिए। जो भी विज्ञापन आप कर रहे हो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ग्राहकों की बदलती रुचि, पसंद, आदत आदि आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। छूट का उल्लेख करना चाहिए विज्ञापन में। संपर्क स्थल, जैसे यहाँ पे देखिए संपर्क लिखना ही पड़ेगा, स्थान का भी नाम आपको इसमें लिखना पड़ेगा। विज्ञापन में जो आवश्यक, यहाँ पे कम से कम 50 से 60 शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, अधिक शब्दों का, 100-200 शब्दों का प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। अब ये तीसरा है आपका अंतिम, स्थान संबंधी, ठीक है। निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। ये अपना घर क्या है, किराए पर देना है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल है कितना है और किफ़ायती है, मतलब घर के बारे में बताया गया है। भरपूर हवा है, पानी है, पानी की बहुत समस्या होती है कई बार घरों के यहाँ, पानी रोज़ नहीं आता है या BMC का नहीं आता है, तो यहाँ पे बताया भरपूर पानी है, अच्छे उजाला है, अंधेरा पड़ता है ऐसे आसपास, ऐसा घर नहीं है। किफ़ायती किराया, किराया भी जो है वो कैसे है, व्यक्ति दे सके ऐसा है। और घर भी कैसे, 2 शयन कक्ष यानी बेडरूम, बैठक और रसोई है। और पार्किंग की सुविधा है, अगर किसके पास गाड़ी है 2-व्हीलर या 4-व्हीलर तो उसकी सुविधा है। ये संपर्क नंबर है, यहाँ पे देखिए भरपूर हवा। अगर घर की विशेषता लिखेंगे, अच्छा उसके बारे में लिखेंगे, तो ये खरीदने के लिए कोई आकर्षित होगा। भरपूर हवा, पानी और प्रकाश। और क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग फीट है, ठीक है। और किफ़ायती किराया, किराया यानी बहुत महंगा नहीं है। अब एग्जैक्ट बताया नहीं, सामने वाले को अगर चाहिए तो फ़ोन करेगा तो वो किराया बता सकते हैं। घर किराए पर देना, अब ये देखिए
ऐसे अगर बड़ों में लिख दोगे तो आप क्या है, सामने वाले को एकदम समझ में आएगा कि ये विज्ञापन है किसका। अब उससे संबंधित सुविधाएं जो है उसकी विशेषताएं आप लोग लिख दिए कि दो शयन कक्ष यानी दो बेडरूम है, बैठक और रसोई भी है यानी हॉल और रसोई, बाजार मंदिर स्कूल अस्पताल सब क्या है, स्टेशन जो है सब आपके घर के पास है, पार्किंग की सुविधा भी है, संपर्क आपको ये घर किराए पर देना है तो किसको यहाँ पे संपर्क, मैं अगर घर किराए पे दे रही हूँ ठीक है तो मैंने एडवर्टाइजमेंट बनाया है तो मैं अपना नंबर डाल रही हूँ जैसे सदाशिव पाटिल और यहाँ पे मोबाइल नंबर, कब फ़ोन करें, अगर नंबर दे दिया तो कई लोग हैं कभी भी परेशान करते, इसके लिए समय दिया है कि आप इसी समय पे फ़ोन कीजिए जैसे सुबह 8 से 11 और शाम को 7 से 9। स्थान कहाँ पे है, घर जो किराए पर देने का है सरस्वती भवन ठीक है और पुणे मार्ग पर, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग को इसके पहले भी मैंने विज्ञापन के आर में बताया, आप लोग कर लेते हो फिर भी एक बार यहाँ पर मैंने बताया, पहले कैसे बताया था मैंने कि चित्र बना सकते हो, स्केच कलर प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अभी आया कि आपको पेन से ही चित्र बनाना है, स्केच कलर का भी प्रयोग नहीं करना है ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा और इसके अनुसार ही विज्ञापन बनाइएगा। ये अभी अगर इससे संबंधित आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं और आपको समझ में आएगा, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ, धन्यवाद।